नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गेल्या व्हिडिओ मध्ये आपण पाहिलं होतं की शिरीषने जे आहे छान प्रकारे वादन केलेलं होतं आणि सारा श्रोता वर्ग जो आहे मंत्रमुग्ध झालेला होता. आणि लेखकाला सुद्धा प्रश्न पडला, यांनी सुंदर असं वादन कशा प्रकारे केलं असावं. मग लेखकाला काही गोष्टी आठवू लागल्या की शिरीषचं त्याच्याकडे येणं आणि त्याने कशा प्रकारे जे आहे प्रवेश मिळवला, या सर्व गोष्टी त्याला आठवत होता. आता आपण पुढचा पॅरेग्राफ पाहणार आहोत. देखो, शिरीष जो है इसने बहुत ही अच्छा वादन किया, सारा श्रोता वर्ग जो है खुश हुआ था उनके वादन से. और जो है शिरीष जो जब उनके पास पहली बार आया था तब लेखक उसके बारे में कुछ यादें उनको आ रही है वो उन्होंने बताई है कि शिरीष जब आया था तो उसने बताया कि मुझे यहाँ पर क्लास लेना है, इसके मेरे साथ मेरे पिताजी भी मेरे साथ बैठेंगे. तब लेखक ने उनको बताया कि आपको 50 रुपया फीस देनी पड़ेगी और सारी बातें जो है मंजूर हुई. यहाँ तक हम पैराग्राफ देख चुके हैं, इसके प्रश्न उत्तर सारी चीज़ों को जान लिए. अब हम आगे का पैराग्राफ देखने वाले हैं, तो चलते हैं पैराग्राफ की ओर. बागे अपन जो पैराग्राफ पहला होता गेल्या वेळेला त्याच्यामध्ये त्यांनी 50 रुपये फी देण्यासाठी सांगितलेलं, त्यावर तो शिरीष जो आहे तो म्हणाला कबूल आहे, कबूल, उद्यापासून मी येतो, कल से मैं आऊंगा, माझ्या बरोबर वडील पण येतील बरं का. उसने कहा मेरे साथ जो है मेरे पिताजी भी आएंगे. असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला. उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा भी नहीं और वो वहां से चला गया. दुसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला, वेळेवर येणे याने समय पर आना, तो दुसरे दिन जो है वो मेरे पास जो है समय पर आ गया है. और उसने क्या किया, देखो, त्याच्याबरोबर एक वयस्क आणि भारग्रस्त गृहस्थ होते, तो उनके साथ जो है एक उम्र दराज व्यक्ति थे. भारग्रस्त म्हणजे काय, अंगापिंडाने मजबूत माणूस, म्हणजे असे हे मजबूत होते, हे माझे गुरुजी, उन्होंने कहा, मतलब शिरीष ने कहा कि ये मेरे गुरुजी है, नाना आणि हे माझे वडील. और उन्होंने उसकी उस व्यक्ति की पहचान क्या करा की ये मेरे नाना है आणि हे माझे वडील और ये मेरे पिताजी. आमचे नमस्कार झाले, हम दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते कहा. एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चीवर बसले और वो नाना ने कुछ भी नहीं कहा और खुर्सी पर बैठ गए. मी पण न बोलता वॉलियन काढले, मैंने भी कुछ नहीं कहा और अपना वॉलियन निकाला व शिरीषच्या हातात दिले और शिरीष के हाथ में दे दिया. त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझा त्याच्याबद्दलचा ग्रह चांगला झाला. तो उसने जो है अपने साथ क्या लाए थे, जो है कापी किताब जो लेकर आया था, पेन लेकर आया था, तो उसके प्रति मेरा जो ग्रह था, ग्रह म्हणजे काय, समजूत, तर तो जो होता की हा व्यवस्थित मुलगा नाही, आगाऊ आहे, अशी जी लेखकाची समजूत होती ती ग्रह तो जो आहे समजूत जी आहे दूर झालेली आहे. पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात वॉलियन घेतले. तो पहिले दिन मैंने क्या किया, जो पहिली जानकारी होती है वो सब मैंने उनको दे दी और मैंने वॉलियन हाथ में लिया. माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, जो विद्यार्थी मेरे विद्यालय में आते थे उनके लिए पहिल्या दिवशी पहिले दिन स्वतःच वाजवून दाखवायचे, तो मैं खुद जो है वॉलियन बजाकर दिखाता था. अशी माझी प्रथा होती, प्रथा म्हणजे काय, या ठिकाणी रूढी पद्धत, की खुद वो जो वॉलियन है वो बजाकर दिखाते थे. त्यामागील हेतु एवढाच, मतलब इसके पीछे एक विशेष हेतु था कि मला त्यांना सुचवायचे असते, मुझे उनको बताना होता है कि नेटाने नीट टिकलात तर इतपत वाजू शकाल. तो मुझे ये बताना है कि आप अभी अगर अच्छी तरह से काम करोगे तो आप भी इस तरह से अच्छा बजा सकते हो. त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनटे मी पिलू रागातील एक गत वाजवून दाखवली, तो उन्होंने मैंने क्या किया 20 मिनट तक जो है पिलू राग जो है उसमें से गत बजाकर सुनाई. जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते, जीवाचे कान करणे लक्षपूर्वक ऐकणे, तो नाना जो है ध्यान से जो है वो जो बजा रहे थे उसे सुन रहे थे. व शिरीष माझ्याकडे व नानाकडे आळीपाळीने बघत होता. और जो शिरीष जो है कभी मेरी ओर तो कभी नाना की ओर, मतलब कभी यहाँ देखना कभी वहाँ देखना, इस तरह से वो क्या कर रहा था, बार बार देख रहा था. मी वॉलियन खाली ठेवले व नानाकडे पाहिले, तो मैंने क्या किया, जब वॉलियन नीचे रखा तो मेरी नज़र नाना की तरफ गई और मैंने उनको देखा. त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते, तो उनके जो चेहरा है उनके ऊपर जो है मतलब उनको खुशी दिखाई दे रही थी.
यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उनको जो मेरा जो है वॉयलिन बजाना उनको पसंद आया था। अपन जाऊया का, आता शिरीष मनाला। और शिरीष ने सवाल किया कि अब हम चलते हैं क्या। वह पिता पुत्र उठले और पिता और उन मतलब शिरीष ये दोनों उठ गए। मीच आपन हुन विचारले, मैंने ही खुद से पूछा काय कसं काय वाटलं एकंदरीत, मैंने पूछा कैसे लगा आपको। वाह उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही, शिरीष नेच मध्ये उत्तर दिले। अब देखो मैं नाना से सवाल कर रहा था लेकिन यहाँ पर वो बता रहे कि वाह उत्कृष्ट याबद्दल प्रश्नच नाही, ऐसे जवाब किसने दिया है, शिरीष ने उत्तर दिले। मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला, तो जो इस तरह से आगाऊ यानी उत्तर बोलना जी, बड़े से सवाल किया गया छोटा जवाब देता है, तो इसलिए उसके उत्तर स्वभाव का जो है मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो इस तरह से यहाँ ये बातें बताई। आगे देखते हैं, अपन कुठं असता कामाला, भोसकपणे शिरीष पुनः म्हणाला। अब देखो मैंने फिर सवाल किया है कि आप कहाँ काम करते हैं, तो भोसकपणे काय म्हणजे मध्येच तोंड उघडून बोलण्याचा आगाऊ स्वभाव, ह्याला भोसकपणे म्हणतात। मतलब अगर पूछा जाए तो बीच बीच में बोलना, तो ये कुणाला सवय होती, शिरीषला भोसकपणे बोलण्याची, मतलब कोई सवाल पूछा जाए तो बीच बीच में बोलना। मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो उनके पिताजी है शायद उनको दम देंगे कि क्यों बोल रहा है, पण त्या उलटते कौतुकाच्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत होते। कौतुक म्हणजे तारीफ करणे, स्तुती करणे, ऐसे नजर से उसे देख रहे थे। नियमितपणे रोज पिता पुत्राची जोड़ी येऊ लागली, और रोज वो लोग जो है जोड़ी से आते थे। शिरीषची प्रगती पाहून मात्र प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होत होतो, आश्चर्यचकित होने नवल वाटने। तो यहाँ शिरीष जो है अच्छी तरह से सीख रहा था, ये सब देखे मुझे भी अच्छा लग रहा था। त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता, मतलब वो जो सीख रहा था वो आराम से बजा रहा था। आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात त्याची आकलन शक्ति फारच दांडगी होती। आकलन शक्ति मतलब बोध शक्ति, मतलब कोई भी सीखने की क्षमता जो है वो बहुत ही अच्छी थी। नाना रोज त्याच्या बरोबर येत व एक अक्षर न बोलता शांत बसून राहत। अब नाना आते थे कुछ भी बात नहीं करते थे और शांति से सुनते थे। मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे, मैंने भी अभी उनसे बात नहीं करता था। हाँ हाँ म्हणता 3 महीने निघून गेले, और देखते देखते 3 महीने बीत गए। आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा। तो मैंने सोच लिया था कि मेरे विद्यालय का जो कार्यक्रम होगा उसमें मैं शिरीष को कार्यक्रम दूंगा। असा मी निश्चय करून टाकला, तो ऐसा मैंने सोच लिया था। आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो, और उसके अनुसार मैंने शिरीष से कहा, क्या कहा देखो, शिरीष अशीच प्रगती कायम राहू दे, ऐसी तरक्की हमेशा करते रहो। आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे, तो अपने विद्यालय का कार्यक्रम होगा ना उसमें तुम्हारा कार्यक्रम मैं रखूंगा। है ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल अशी कल्पना होती, तो ये सुनने के बाद शिरीष बहुत खुश होगा ऐसे मुझे लग रहा था। पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काहीही भावना दिसल्या नाहीत, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आनंद दिखाई नहीं दे रहा था, कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। इतकेच नवे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला, इतना ही नहीं तो उसका चेहरा कुछ उतर गया, मतलब उसको जैसे लग रहा था देख के कि अच्छा लग रहा है या नहीं कुछ पता चल नहीं रहा था। मी विचारले, मैंने पूछा काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटला नाही का, तब मैंने ही पूछा क्या ये सुनकर तुझे खुशी नहीं हुई है क्या। गंभीर आवाजात बड़ी गंभीरता से उसने ठाशिव स्वरूपाचे और एकदम डटकर जवाब दे रहा है, त्याने पार ठाशिव सरीपाचे उत्तर दिलेले आहे, माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल। अब उसने क्या कहा, मुझे इतनी खुशी नहीं होगी जितने मेरे नाना को होगी, यानी मेरे पिताजी को होगी। पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तरेबाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो, तो जो तरेबाईक ने विचित्र उसका विचित्र जवाब सुनकर मैं आश्चर्य कर रहा था कि ये ऐसे कैसे जवाब देता है। प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो, हर बार वो अपने नाना का नाम क्यों लेता है, जो भी रहता है वो गाना सीख रहा हूँ नाना के लिए, नाना को अच्छा लगेगा,
ऐसे उसके सवाल मन में आ रहा है कि नाना 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 क्यों कर रहा है। वह नाना अगदी रोज त्याच्या बरोबर येतात और नाना भी उसके साथ रोज आते हैं। त्याचे रहस्य काय असावे, इसमें क्या रहस्य है, ऐसे उसके मन में सवाल आ रहे। या प्रश्नाचे उत्तर मला सापड़े ना, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे और एक बार बार मन में शंका आ रही थी, ती म्हणजे नाना जवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने वॉलियन वाजवत नसावा। अब मेरे मन में आ रहा था कि नाना को देख कर शायद शिरीष मतलब है बिंदास जो है यहाँ पर वॉलियन नहीं बजा रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, तो ऐसे ही लेखक के मन में विचार आ रहा है, इसीलिए उसने बातें कही। दूसरे दिवसी शिरीष आला नहीं, दूसरे दिन शिरीष नहीं आया। त्याचा हा पहिला खाड़ा, खाड़ा यानी क्या गैरहजरी, तो ये पहली उसकी छुट्टी थी। नसेल एखादे वेळे जमले असे मी समाधान करून घेतले, तो मुझे लगा हाँ आज शायद नहीं आया, कुछ हुआ होगा, नहीं आ पाया होगा। पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नाही, दुसरे दिन भी शिरीष नहीं आया। चौथा दिवस गेला, पाचवा गेला आणि तसेच 15 दिवस गेला, ऐसे देखते देखते 15 दिन बीत गए। शिरीषचा पत्ता नव्हता। 16व्या दिवशी एक माणूस निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला, तो देखते देखते 16 दिन बीते और 16वें दिन जो है एक आदमी एक मैसेज लेकर आया है और पैसे लेकर आया है। नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही, उसका मैसेज था नाना जो है बीमार है इसके वजह से शिरीष नहीं आ सकेगा, असे तो म्हणाला। थोड़ाशा त्रागाने मी म्हणालो, अब मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा नानाशी त्याला काय करायचे आहे, उसको नाना से क्या, नाना बीमार है ना तो उसको आना चाहिए, इकड़े कार्यक्रम जवळ एक चालला आहे, त्याचे काय, यह कार्यक्रम करीब आते जा रहा है, उसका क्या, इसकी छुट्टियां होते जा रही। शिरीष आला नाही, लेकिन शिरीष उसके बावजूद भी नहीं आया। त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला, रद्द करने यानी कैंसल करना, तो मैंने उसका कार्यक्रम जो है वो रद्द कर केलेला आहे। त्याचे नाव पण काढायचे नाही, और मैंने सोचा अब इसके बाद जो है शिरीष का नाम भी नहीं निकालना, असे ठरून मी बाकीचे विद्यार्थी तयार केले और मैंने दुसरे विद्यार्थियों को भी तयार किया। समारंभाचा दिवस उगवला, और वो दिन आ गया जिस दिन ये कार्यक्रम होने वाला था। आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाचच बेचैन झालो होतो, लेकिन पता नहीं आज मुझे सुबह से शिरीष की बहुत याद आ रही थी, मैं मन से बेचैन हो रहा था। सकाळची इतर कामे आटपून मी जरा स्वस्थ बसलो, न बसतो तो दारा शिरीष उभा, और सुबह के सारे काम निपटा कर मैं बैठा ही था तब तक दरवाजे में शिरीष आ गया। मी ताड़कर उभा राहिलो व त्याच्या जवळ गेलो, मैं तुरंत खड़ा हो गया और उसके पास चला गया। अरे तुझा पत्ता तरीका है आणि आज एकटाच कसा काय, देखो मैं जैसे उसको देखकर खड़ा हो गया और उसने पूछा तेरा कहाँ पता है और आज अकेला ही आया है, नाना कसे नाहीत बरोबर, इकडची दुनिया तिकडे होईल ना, तेरे नाना नहीं आए हैं मतलब यहाँ की दुनिया वहाँ हो जाएगी आज, क्यों तो तेरे पिताजी आए नहीं है, इकडची दुनिया तिकडे झाली आहे सर, उसने जवाब दिया हाँ आप सही बता रहे हो, मेरी यहाँ की दुनिया वहाँ हो गई है, या पुढे मी एकटाच दिसेन, आज के बाद मैं अकेला ही दिखाई दूंगा, माझे नाना नाना माझे नाना कायमचे गेले हो सर, उसने बताया मेरे नाना हमेशा के लिए चले गए। बऱ्या सांत्वनानंतर त्याने विचारले, अब बहुत सांत्वना म्हणजे दिलासा दिल्यानंतर विचारले, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना, तो उन्होंने क्या सवाल किया कि आज हमारे विद्यालय का कार्यक्रम है ना, मी खिन्नपणे हो म्हणालो, मैंने उदास होकर हाँ कहा, देखो यहाँ पर जो है मैंने उदासी के साथ हाँ कहा है। मग मला आज कार्यक्रम द्या, क्या कहा उसने, आज कार्यक्रम है ना आज मुझे दे दो कार्यक्रम, नाही म्हणू नका सर आप ना मत कहना, एवढीच इच्छा पूर्वा मेरी यही इच्छा है उसे पूरा कर दो, तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला, उसने जैसे ऐसे कहा कि कार्यक्रम मुझे दे दो
इसने कुछ प्रैक्टिस की नहीं है, कुछ नहीं समय पर आया है और कार्यक्रम रात मांग रहा है। मुझे बहुत अंदर से जो है गुस्सा आ रहा है। मैं सौम्य आवाजात मना लो, बड़े मैंने धीमी आवाज से उससे कहा। देखो प्यारे बच्चों, अब हम शब्दार्थ देखते हैं। इससे पहले मैं हम लोग पैराग्राफ पढ़ते समय पैराग्राफ में शब्दार्थ देख चुके हैं। अब यही शब्दार्थ जो है आपको नोटबुक में लिख कर लेना है। भोजक का पना म्हणजे आगाऊ स्वभाव। ग्रह ग्रह म्हणजे समजूत। प्रथा प्रथा म्हणजे रूढी। नेटाने म्हणजे जोर लावून। आळी पाळीने म्हणजे आलटून पालटून। आगाऊ आगाऊ स्वभाव म्हणजे हा उद्धट स्वभाव। दम भरणे रागवणे। आकलन शक्ती म्हणजे बोध शक्ती। तरेवाई म्हणजे विचित्र। खाडा म्हणजे गैरहजेरी। आणि सांत्वन करणे म्हणजे दिलासा देणे। तर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये शब्द लिखे हुए, यही शब्द आपको नोटबुक में लिखना है, अच्छी तरह से याद करना है। जब भी हमें समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं तो इसमें ये पूछा जाता है। त्यानंतर आपण पाहत आहोत वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार व त्याचे अर्थ, मतलब वाक्य प्रचार उसके अर्थ दिए है आपको ये, और इससे फिर आपको क्या करना है, एक एक वाक्य बनाना है। अर्थ दिया गया है, ग्रह चांगला असणे, अनुकूल मनस्थिति असणे। ग्रह चांगला असणे, अनुकूल मनस्थिति असणे। प्रथा असणे म्हणजे रीत असणे, मतलब हमारी जो प्रथाएं चलती आती उसको क्या कहते हैं, रीत असणे। जीवाचे कान करून ऐकणे, खूब लक्ष्य पूर्वक ऐकने। जैसे स्कूल में कुछ बातें बताई जा रही है हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर कहा है लक्ष्य पूर्वक ऐकने। दम भरने रागवने गुस्सा करना। त्यानंतर आए चेहरा उतरने नाराज होने, चेहरा उतरने मुझे नाराज होने। फिर हमें परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से होते हैं, तख्ता पूर्ण करा, म्हणजे या ठिकाणी हा जो चौकोन तख्ता दिलेला आहे तो तुम्हाला पूर्ण करायचा आहे। मग या ठिकाणी पहा ए आणि व दिले, एक वचन आणि या ठिकाणी अनेक वचन। मग या ठिकाणी हा जो चौकोन दिलेला आहे हा तुम्हाला भरायचा आहे। देखो प्यारे बच्चे, हमारे यहाँ पर जो है ये चौकोन दिया गया है, एक वचन अनेक वचन। अब एक वचन में कुछ शब्द दिए है कहीं कहीं पर नहीं दिए हुए, अनेक वचन में भी कुछ शब्द दिए है कहीं कहीं पर नहीं दिए है, तो हमें जो हाँ नहीं दिए है वहाँ पर भरने हैं, और जहाँ दिए है वहाँ जैसे है वैसे लिखना है। इसीलिए जब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अपने पहले नोटबुक पे ऐसे बनाओगे, फिर वहाँ लिखोगे आठवन, तो आठवन ये एक वचन है, और अनेक वचन में क्या हो जाएगा, आठवनी। आठवन का क्या होगा, आठवनी। अब देखो यहाँ दूसरे नंबर पर महीने, महीने ये अनेक वचन है, तो यहाँ पर एक वचन में हमें लिखना है महीना। काय लिहणार आपण, महीना। त्यानंतर पहा एक वचन मध्ये दिलेला आहे वादक, वादक म्हणजे वाजवणारा बजाने वाला, तो वहाँ अनेक वचन में भी जो आएगा वादक ही शब्द आएगा। अनेक वचन में भी क्या आएगा, वादक ही शब्द आएगा। त्यानंतर पहा अनेक वचन मध्ये दिवस दिलेला आहे आणि एक वचन मध्ये सुद्धा दिवसच होतं, म्हणजे अशा पद्धतीने हा चौकोन जो आहे तुम्हाला तयार करून लिहायचा आहे। आणि त्यानंतर प्रश्न तिसरा मध्ये पहा, पुढील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। पुढील शब्दांचे विरुद्ध मतलब विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखने हैं, तो आपको इस तरह से एक लाइन में दिए जाते हैं शब्द, हजर, कड़क, इलाज, मागे, ऐसे चार शब्द दिए हैं। जब हम परीक्षा में लिखते हैं तो देखो बच्चों हमें इस तरह से लिखना होता है, जैसे हजर लिखे है तो हजर कर यहाँ हमें क्या करें से गुनीले से चिन्ह यानी मल्टीप्लाई करना है। कड़क, इलाज, मागे, ऐसे एक के नीचे एक शब्दों को लिखना है, और जब ये लिख लेते हैं तो इसके आगे हमें उत्तर लिखना है, हजर गैर हजर, हजर गैर हजर, कड़क नरम, इलाज ना इलाज, इलाज ना इलाज, आणि मागे पुढे। म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही इथे या ठिकाणी शब्द भरणार आहात आणि आपल्या वहीमध्ये लिहिणार आहात। पहिल्यांदा असे शब्द लिहिलेले असतात तुमच्या पेपरमध्ये, असे शब्द तुम्हाला लिहायचे, नंतर एका खालोखाला एक असे मांडून तुम्ही त्याच्यासमोर जे उत्तर लिहिणार, याचा फायदा काय होतो विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेला तुम्हाला हे आपल्याला अर्धा नंबरला विचारलं जातं, जर ज्यावेळेला तुम्हाला असं लिहायचं असेल तर तुमच्या इथे शिक्षकांनासुद्धा नंबर देताना सोपं जातं, आणि तुमचा कुठला शब्द चुकलेला आहे हे तुमच्यासुद्धा लक्षात येऊ शकतं। आता पुढचा प्रश्न पाहत आहोत आपण, आता पुढचा प्रश्न पहा, तुमच्या लक्षात येईल कृती दोन आकलन कृती आहे। एक नंबरवर चौकट पूर्ण करा,
ये जो चौकोन दिया है उसे पूरा करना है। नंबर एक वर लेखकाने वाजवलेले वाद्य, लेखक ने जो वाद्य बजाया था उसका नाम हमें लिखना है। तर उन्होंने बजाया था कौन सा वाद्य था, वॉलियन। तर आपल्या ठिकाणी वॉलियन हा शब्द घ्यायचा आहे। दुसरा आहे लेखकाने वाजवलेला राग, कोणता राग वाजवला, पिल्लू राग। मी पॅरेग्राफ वाचा तुम्हाला ह्याचं उत्तर पटकन सापडेल। चौकोनामध्ये ह्याचं उत्तर लिहायचं लेखकाने वाजवलेला राग, मासा ॲरो बनवायचा आहे आणि चौकोनामध्ये लिहिणार पिलू राग। तिसरा प्रश्न आहे वडिलांना शिरीष या नावाने संबोधायचा, मतलब शिरीष जो था वो अपने पिताजी को किस नाम से बुलाता, संबोधन करने यानी बुलाना, तो वो अपने पिताजी को नाना करके बुलाता था। त्यानंतर पहा दूसरा प्रश्न, दूसरा सवाल देख रहे, योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा, मतलब इसने पर्याय दिए हुए हैं चार, इसमें से हमें एक चुनना है। लेखकाचा शिरीष बद्दलचा ग्रह चांगला झाला, ग्रह म्हणजे आपण पाहिलेलं की या ठिकाणी जे दिलेला शब्द होता की समजूत, तर लेखकाची जी शिरीषबद्दलची समजूत होती ती चांगली झाली। मग त्यामध्ये नंबर एक दिलाय तो मनमळाऊ होता, दुसरा दिलाय त्याला वॉलियन वादन आवडले, तिसरा आहे त्याने नानांना सोबत आणले, चौथा आहे त्याने बरोबर वही वगैरे आणली होती। तो लेखक जो है उसका ग्रह कब अच्छा हुआ था, तर त्याने बरोबर वही वगैरे आणली होती। मग आपण या ठिकाणी काय करणार आहोत, कारण चतिते, लेखकाचा शिरीषबद्दलचा ग्रह चांगला झाला कारण त्याने काय केले, बरोबर वही वगैरे आणली होती। मग हा शब्द लिहिणार आणि या शब्दाच्या खाली अधोरेखित करणार, अधोरेखित करणे म्हणजे अंडरलाईन करणे, म्हणजे आपण उत्तर लिहिणार आहोत त्याच्या खाली आपण काय करणार आहोत, अंडरलाईन करणार आहोत। त्यानंतर पहा दुसरा प्रश्न, लेखकांना शिरीषच्या आगाऊपणाचा राग आला कारण एक पहिलं दिले त्याने गुरुजींना कुठे काम करता असे विचारले, उसने गुरुजी से पूछा आप कहाँ काम कर रहे हो, त्याने मध्येच उत्तर दिले, तिसरा आहे त्याने वॉलियन स्वतः वाजवले, चौथा आहे त्याने नानांना बरोबर आणले। तर आपलं बरोबर उत्तर काय आहे, त्याने मध्येच उत्तर दिले। फिर हम लोग यहाँ लिखेगे लेखकांना शिरीषच्या आगाऊपणाचा राग आला कारण त्याने मध्येच उत्तर दिले। मग ह्याच्या खाली अधोरेखित करणार म्हणजे अंडरलाईन करणार आहोत, म्हणजे हे जे दुसऱ्याचं आहे शब्द दिलेला आहे हे आपलं उत्तर आहे, त्याने मध्येच उत्तर दिले। मग असे शब्द जे आहे तुम्हाला जर कळलं नाही तर तुम्ही पॅरेग्राफमध्ये वाचाल तर तुम्हाला लक्षात येईल की असं ह्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे की आगाऊपणाचा का राग आला, तर तो मध्ये मध्ये बडबडत होता म्हणून लेखकाला याचा राग आलेला आहे। अशा प्रकारे प्रश्न उत्तर आपली द्यायची आहेत। विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण हा परिच्छेद पाहिला शिरीषचा की शिरीषच्या ज्या भावना आहेत या ठिकाणी वाटणाऱ्या भावना लेखकाने वर्णन केलेल्या आहेत। शिरीषने कशा प्रकारे वादन केलं, त्याचा जो प्रवास होता शिकण्याकरता तो त्या ठिकाणी वर्णन केलं, असा हा आपण पॅरेग्राफ पाहिला। आता पुढील पॅरेग्राफमध्ये पुन्हा भेटूया। धन्यवाद।